हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पल्स बीटल। दिस पल्स बीटल इज साइंटिफिकली नोन एज क्लैसोब्रैकस मैकुलेटस। इट्स लाइफ साइकिल हैज इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज गर्भ, बिकॉज this is the beetle, so its intermediate stage is garb. This is the adult beetle and this is the pupa stage. It belongs to the phylum Arthropoda, class Insecta, order Coleoptera, family Laridae, and it is distributed all over the world. If we talk about the host plant, its host plants are soya bean, green pea, black pea, lobia, beans, pigeon pea, etc. If we talk about the general appearance of this insect look like a beetle. This is the adult beetle and its body is about 3 mm long. Its length is 3 mm and they have two white spots near the middle of their body and have comparatively smaller head. If we see this adult beetle, it has a very small head portion and its life cycle is completed in 60 days. Life cycle is of 60 days and it is a very small insect and its life cycle span is about 8 to 20 days. Its adult जो life span है वो है 8 to 21 days. और इसकी जो stages होती हैं वो है गर्भ, because it is beetle so its intermediate stage is गर्भ, and this गर्भ converted into a pupa stage. This is the pupa and then it converted into the healthy adult after the molting. It converted into adult. So life cycle इसकी हमारे exam में नहीं आती है. So now we will discuss about the damage method. डैमेज जो है वो मेन डैमेज कोजिंग स्टेज इज दिस गर्भ स्टेज. इट कोज सीरियस डैमेज टू द स्टोर्ड पल्सेस एंड देयर पोड इन द फील्ड्स. ये जो है पोड्स को भी खराब कर देते हैं, पल्सेस के लिए बहुत हार्मफुल है. एंड द गर्भ बोर इन टू द सीड एंड कंज्यूम देयर कंटेंट लिविंग टेस्टा अपर कवर बिहाइंड. टेस्टा इज द अपर कवर ऑफ द सीड. इन द प्रेजेंस ऑफ 1 mm होल इंडिकेट दैट द इंसेक्ट हैज बीन एग्जिट फ्रॉम द सीड. एंड ह्यूमिड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेस्टेशन ऑफ द पेस्ट इज वेरी हाई इन ह्यूमिड कंडीशन. सो अब इसको कंट्रोल के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो है कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सीड शुड बी ड्राइड कम्प्लीटली बिफोर स्टोरेज. सबसे पहले सीड को ड्राई करना इम्पोर्टेंट है. सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड जो है हम ये कर सकते हैं कि इन समर ए 5 cm लेयर ऑफ सैंड ओवर द सीड प्रिवेंट एग लेइंग. सीड के ऊपर जो है जो भी स्टोरेज हम करते हैं टंकियों में तो उसके ऊपर 5 cm की सैंड की लेयर जो है डाल सकते हैं जिससे कि इंसेक्ट की ग्रोथ नहीं होगी.
और थर्ड वन जो है वो हम इन विंटर 25 सेंटीमीटर लेयर ऑफ लाइम ओवर द सीड प्रिवेंट डैमेज. तो लाइम डालकर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज़ द ग्रेन शुड बी मिक्स्ड विद नीम सीड कर्नल. तो नीम जो है, नीम इज़ आज़ाद दरख्त इंडिका, उसका इस्तेमाल भी हम इसको सेव करने के लिए कर सकते हैं. इस इंसेक्ट पेस्ट से हम बचा सकते हैं अपने स्टोर्ड ग्रेन को. दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लेसोब्रैकस मैकुलेटस, दैट इज द पल्स बीटल. नेक्स्ट स्टोर्ड ग्रेन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू गाइज़.